नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं बोला शील शुक्ला आपके साथ और अरबन बुलेटिन में आपका स्वागत करते हैं। बढ़ते खबरों की ओर, बाराबंकी जिले के रहने वाले समाज सेवी सत्यवान सिंह यादव अपने नेक कामों के अक्सर जिले में चर्चा का विषय बने रहते हैं। चाहे कोरोना काल हो या कोई भी विषम परिस्थिति, हर बार सत्यवान सिंह यादव ने अपनी अमिट छाप बनवाई है। पेशे से शगुन ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सत्यवान सिंह यादव लोगों की हर संभव मदद के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। यही कारण है कि सत्यवान सिंह यादव आज बाराबंकी जिले की जनता के लिए एक आदर्श बनकर सामने आए हैं। वहीं इस बार सत्यवान सिंह यादव ने अपनी पत्नी सविता यादव को देवा तृतीय से जिला पंचायत सदस्य पद पर उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में हिस्सा लेने का निर्णय लिया है। वहीं सत्यवान सिंह यादव ने प्राइम टीवी के जरिए जिले की जनता से अपील की है कि इस बार जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी सविता यादव को भारी प्रेम के साथ वोट देकर विजयी बनाएं, जिससे सविता यादव भी जनता के हितों में काम कर सके। तो आइए अब आपको सुनाते हैं समाज सेवी सत्यवान सिंह यादव के साथ हमारे संवाददाता रेहान वारसी से ये खास बातचीत। आज हमारे बीच बातचीत करने के लिए मौजूद है एक महान हस्ती सत्यवान सिंह यादव, जो समाज सेवी के रूप में जनता के बीच हमेशा बने रहते हैं और सगुन ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन भी हैं। साथ ही साथ इस बार वो जिला पंचायत सदस्य पद के लिए सदस्य पद के प्रतिनिधि के तौर पे मैदान में आ रहे हैं। और आइए हम उनसे जानते हैं कि अगर इनको इस बार जनता चुनती है तो गांव के लिए क्या विकास करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, हम उन्हीं से सीधे बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सत्यवान सिंह यादव है। राजनीति में मेरे पापा करीब 20 साल से पहले प्रधान रहे हैं, फिर 20वीं बार प्रधान रहे हैं। हम फिर इधर जो प्रदेशी ये चल रही थी, ये हरजन चिट हो गई थी, इसलिए चुनाव नहीं लड़ पाए। तो हम हमारे मन में ये विचार आया कि जो है हम इस राजनीति को थोड़ा आगे बढ़ा के बढ़ाएँ। अपने जो हमारे पिताजी हैं, जहाँ प्रधान इतना संघर्ष करके पर लोगों को सेवा किए हैं, समाज सेवा किए हैं, मैं उसको आगे बढ़ाऊँ। इस मुद्दे को, इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए मैंने ये कदम उठाया। आज मैं अपनी वाइफ को देवा तृतीय से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़वा रहा हूँ। तो आप अपनी वाइफ को चुनाव मैदान में उतार रहे हैं, क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाएंगे? क्या विकास का मुद्दा रहेगा, शिक्षा का मुद्दा रहेगा, क्या क्या चीज़ें रहेंगी? वो सारे मुद्दे रहेंगे जो हमसे हम लोगों से हो सकेंगे, गरीबों की मदद करने का, या शिक्षा हो या स्वास्थ्य का हो या गरीबी का कुछ भी हो, हम हर सुख दुख में उनके साथ में खड़े रहेंगे जी। हर तरह से हर संभव प्रयास करेंगे यहाँ पर जनता के लिए। सत्यवान जी, अगर देवा तृतीय की जनता आपको चुनती है तो उसके बाद में क्या जो जो चीज़ें हैं, जो ग्रामीण जिन चीज़ से वंचित रहते हैं, वो सारी चीज़ें पूर्ण होंगी, उनको मिलेंगे, चाहे वो आवास योजना हो या और भी जो भी काम हो? देखिए, मेरे में जो जिससे मैं जिस जनता चुनती है जी एज ए प्रतिनिधि जी, मेरी वाइफ को जिला पंचायत सदस्य अगर जनता चुनती है जी, तो जिसमें जो भी सिस्टम जो भी आ सकता है, मतलब सरकार द्वारा जो भी मिलेगा मुझे जी, वो तो मैं जनता को प्रदान कराऊंगा ही जी। रही बात विकास के, और भी माध्यम हमारे पास हैं कि हम कंपनी चलाते हैं, इसके द्वारा हम मंदिर मस्जिद में लाइट वगैरह जो हमसे सहयोग हो सकता है हम क्या करते हैं। हमारे पिताजी समाज सेवी हैं, वो भी क्या करते हैं जी। हम उन्हीं के आचरण पे चल रहा हूँ, उन्हीं से हमारे गुरुजी समझिए जी, हम उन्हीं के द्वारा बताए मार्ग चल रहे हैं और उसी से हम समाज सेवा भी कर रहे हैं जी। सत्यवान जी, अभी बीच में लॉकडाउन था, देश पूरा जूझ रहा था, इस तरीके से आप एक मसीहा बन के देवा की जनता के बीच में उतरे, और क्या मसीहा बन के उतरने का मतलब सिर्फ एक समाज सेवा थी या आप जिला पंचायत लड़ रहे थे वो मुद्दा था? नहीं, हमारा ये मोटर नहीं रहता है कोई जो है कि कोई दिखावा हो या कोई ऐसा, हम दिखाने वाला कोई काम नहीं करते हैं जी। देखिए, जैसे मैंने अभी बता दिया आपको, मंदिर मस्जिद में लाइट लगवाना, लेकिन मैं वहाँ पे अपना नाम या पिताजी का नाम ना हमारे घर पे चला रहा है, ना मैं कभी करता हूँ, ना मैं ऐसा काम
मुझे अच्छा लगता है कि मैं नेम प्लेट उस पर लगवाऊँ जी, कि मंदिर मस्जिद के नाम पे मुझे वोट बैंक मिले, वोट मिले। ऐसी राजनीति से हम बहुत दूर रहते हैं। रिवाइज कोरोना काल में जो भी हमसे सहयोग हो सका है, हमारी कंपनी से सहयोग हो चुका है जी। हमने वो अपने निजी ढंग से किया है जी। जनता के लिए जो भी हमसे हो चुका है हमने अपने निजी ढंग से किया है जी। सत्यवान जी, अगर देखा जाए तो शिक्षा की बहुत कमी है, या हम उत्तर प्रदेश की ही बात ना करें, और भी बहुत सारी हमारी टीम लगातार कवरेज कर रही है, तो जो शिक्षा की कमी बहुत पाई जाती है। आप अगर जिला पंचायत सदस्य बन के आते हैं तो किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाएंगे, क्या एजेंडा रहेगा? देखिए, जिला पंचायत सदस्य कोई इतना बड़ा तो पद होता नहीं है कि शिक्षा में, नहीं, गाँव के लिए क्या बदलाव लाएंगे? गाँव के लिए, गाँव जैसे हम अपने जो सरकार द्वारा जो इसमें बजट जो दिया जाएगा जी, जो हमको अधिकार दिए जाएंगे, अगर जितने बार जो अधिकार दिए जाएंगे जी, उसमें जो भी होगा वो हर संभव प्रयास किया गया जाए, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे उससे संबंधित समाज सेवा में कोई भी किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो जी, वो सब पूरी की जाएगी जी। एक शिक्षा ही मात्र नहीं है, हर चीज हर सुख में सही होगा। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि देवा तृतीय से हमारी पत्नी सत्या है, तो वो बाहरी बहुमत से विजयी बनाएं, ताकि हम आने वाले 5 सालों में जनता के बीच रह करके उनकी सेवा कर सकें और हर सुख दुख में उनका साथ दे सकें। तो ये थे हमारे बीच सत्यवान सिंह यादव, जो जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि हैं, और साथ ही साथ ये समाजसेवी के रूप में जनता के बीच में मौजूद रहते हैं। अब देखने वाली अहम बात ये रहेगी कि अगर इनको गांव की जनता चुनती है तो गांव के लिए क्या विकास करेंगे। वैसे तो उनका साफ तौर पर कहना है कि गांव के अंदर अगर मुझे जनता चुनती है तो मैं गांव के अंदर भरपूर विकास करूँगा, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, या गरीबी की बात हो। कैमरामैन अनुराग रस्तोगी के साथ रेहान वारसी, 12। यूपी में होली और पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। होली के रंगों के बीच पंचायती चुनाव को लेकर सरकार सभी तैयारियों को जल्द से जल्द पूरा करने में व्यस्त है। तो वहीं यूपी में पंचायत चुनाव को देखते हुए जब प्राइम टीवी की टीम ने हरदोई गांव का जायजा लिया तो देखा यहां ग्रामीण गांव में फैली गंदगी से खासा परेशानियां हो रही है लोगों को, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन अभियान को आईना दिखाता है। शाहबाद ब्लॉक का तरेड गांव, जो कि शाहबाद कस्बे से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है, इस गांव के हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं, जहां ग्रामीण विकास की राह तकते नजर आ रही है। ग्रामीण रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर खासे परेशान दिख रहे हैं। जब हमारी टीम ने ग्रामीणों से बातचीत की तो ग्रामीणों का गुस्सा सरकारी नुमाइंदों और जनप्रतिनिधियों पर फूट कर सामने आया। देखिए रिपोर्ट। यूपी में आगामी होली के रंगों के साथ लोगों में पंचायत चुनाव का रंग भी चढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे होली नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे त्रिकोणीय पंचायत चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं। चुनाव जब भी नजदीक आते हैं तो वादों के सुर नेताओं द्वारा अलापे जाते हैं, घर घर जाकर योजनाओं को गिनाया जाता है और भोली भाली जनता को विकास के नाम पर बेवकूफ बनाया जाता है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात ही मत कीजिए, यहां आज भी विकास कोसों कोसों दूर नजर नहीं आता। हमारी टीम लगातार गांव-गांव जाकर ये देख रही है कि क्या सच में यहां विकास पहुंचा है, या फिर विकास के नाम पर सिर्फ नेताओं के वादे उनके घरों में आराम कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारी टीम ने रुख किया हरदोई के शाहबाद ब्लॉक के तरेड़ गांव का, जो कि शाहबाद कस्बे से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां के हालात बद से बदतर दिखाई दिए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इस गांव की सुध न ही सरकार को है, न ही जनप्रतिनिधियों को, और न ही सिस्टम चलाने वाले सरकारी नुमाइंदों को।
बहुत समस्या, मेरा निन्ने निन्ने बच्चा मेरे पैदा करने वालों कोई ना आदमी मेरा आधो पागल है। अब मेरे को बैठन कठौन ना है, मैं प्रधान को तो देखते ना मेरे घर क्या नहीं मिला है आपको? कुछ नहीं मिला हमें, कोई कोई चीज नहीं मिली। जैसे को पता ना है को खिलाफ है कि का है मेरे का बच्चे, जैसे क्या नहीं मिला आपको? हमें ना ना मेरे तेरे कोई आवास मिलो है, ना लेटरिंग है, ना कोई चीज ना है। कुछ लाभ मिला हमें? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अच्छा, 5 साल में यहाँ पर जो प्रधान रहे हैं, 5 साल में कोई काम काज हुआ यहाँ पर? यहाँ पहले बहुत हो कि नहीं, अब जो कराओ अभी कोई काम नहीं हुआ कि यहीं अपना ही कराओ, ये रहो वहाँ हुईगो, तब पानी नहीं उतरती। साफ सफाई की क्या पोजीशन है आपके यहाँ? हाँ, साफ सफाई वाले चले गए प्रधान, साफ सफाई वाले अंत को चले गए प्रधान। महीने में एक बार यहाँ पे ना खड़ंजा हुआ है, न जैसे नालियाँ वगैरह तो कीचड़ भी बड़ी पड़ी हुई है, न जैसे कोई मजदूर गरीबों को ना आवास मिला है, ठीक है, न कोई मतलब बारात घर बना हुआ है, मतलब पंचायत घर भी ना बना हुआ है, और जो बना हुआ है मतलब जैसे कहीं अधूरा काम पड़ा हुआ है। गंदगी से परेशान ग्रामीण ने बताया कि गांव के रास्ते पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं, नालियों में गंदा पानी भरा हुआ है, वहीं गंदगी के अंबार को गांव में साफ देखा जा सकता है। बात अगर सामुदायिक शौचालय की जाए तो सामुदायिक शौचालय में हर वक्त बस ताला पड़ा रहता है। गांव के लोगों में सरकारी योजनाओं को लेकर काफी नाराजगी है। उनका कहना है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि क्या क्या योजनाएं आई हैं। गांव में प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत कुछ लोगों को तो आवास मिले हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। तो आपने देखा कि इस गांव में लोग आज भी विकास से कोसों दूर नजर आ रहे हैं। यहां विकास के नाम पर ग्रामीणों के साथ सिर्फ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब देखना यह है कि चुनावी रंग में रंगे जनप्रतिनिधियों को इस गांव की दशा और दिशा में फर्क पड़ता है, या सावन के अंधे हुए राजनेताओं को सिर्फ बहार ही नजर आती है। हरदोई से प्राइम टीवी के लिए गुलफाम खान की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव आते ही वादों और विकास के तमाम कसीदे पढ़े जाते हैं। वर्तमान जनप्रतिनिधि हो या उम्मीदवार, सभी अपनी अपनी तरह से जनता को लुभाने में लग जाते हैं, पर कोई भी वर्तमान स्थिति को जानने का प्रयास नहीं करता और न ही उन वादों की बात करते हैं जो पिछले चुनाव के वक्त किए गए थे। उन्हीं वादों और हकीकत की पड़ताल के लिए एक बार फिर प्राइम टीवी की टीम निकल पड़ी मैनपुरी जिले में, जहाँ ग्राम गदाईपुर की तस्वीरों को प्राइम टीवी ने अपने कैमरे में कैद किया। देखिए रिपोर्ट। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरें ग्राम प्रधान के कामों को खुद ब खुद बयां कर रही हैं। सड़क पर बहती नालियां, टूटे फूटे आवास और गंदगी का अंबार अपने पिछले 5 सालों में हुए विकास की वानगी पेश कर रहे हैं। मैनपुरी जिले के गदाईपुर गांव की जनता अपने मौजूदा ग्राम प्रधान के कामों से बिल्कुल भी खुश नहीं है। ना तो गांव में सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है और ना ही सरकार की बाकी योजनाओं का लोगों को लाभ दिया जा रहा है। हम जब प्रधान से कहने गए थे, प्रधान जी कह रहे थे कि देखो बनवा देंगे, तो लिस्ट में आपको नाम है, हमने वहां पे पठा दिया है। जब इतने उनके कितने साल हो गई प्रधानी के, जब हमने की थी वो वोट मांगने आए थे, हमने की देखो मेरे कच्चा मकान है तो कि दिलवा देंगे, मैंने मेरे मकान का ध्यान रखी है। उसने फिर वोट 5 साल हो गए उनके जीते हुए प्रधान, अभी तक आपकी आवास कोई करवाई ही नहीं है उनको। अच्छा, आपको ये विधवा पेंशन मिलती है? नहीं नहीं मिलती है। जो पानी नाली में निकलते है, सड़क बन जाती है और निकलवे रास्ता नहीं मिलते है। ये बैग आपके घर में भी जाता होगा? हाँ। तो इस बात की आपने अपने प्रधान या अन्य किसी अपर अधिकारी से शिकायत की? कहीं तो आते हैं, प्रधान सुनते ही नहीं है फिर का। अच्छा, ये सफाई कर्मी नहीं आ रहा है तो इसकी आप जो है प्रधान से नहीं आप लोगों ने कहा? कहीं आते ही आते ही नहीं है। क्या कहा उन्होंने? उस तरफ भी सफाई करते, इस तरफ कुछ ना। वही गांव में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई बार ग्राम प्रधान से पक्के आवास के लिए मदद मांगी,
पर प्रधान साहब सरकारी आवास योजना के पैसे को डकार गए हैं। देखिए गांव की भोली भाली जनता कैसे घरों में रहने को मजबूर है। किसी के पक्का फर्श नहीं है तो किसी के पास अपनी खुद की दीवारें। कहीं और जो हमने वोट उन लाई सब काम लाए और जो फार्म भरवाए और जो कह दिए ने तो कबू में ले ही नहीं। क्यों ऐसा क्यों ना ही दई। क्या नाम है आपका? लोटन सिंह। लोटन सिंह जी। तो नहीं मिलती है कतई ना मिली और सिफारिश है जो करी लोगन तो फिर दानक भाई तुम जानता हो आपके प्रधान का नाम क्या है? सेवक ने सपा सपा जो कह दे इन्हें कभा ना मिलन दी। अच्छा प्रधान का नाम क्या है? सेवक राम रतन। तो ना बाद में आई तो जिनने कई खूब बनवाई काम बनवाई काम। मतलब आपका कहना का ये है कि पहले जो प्रधान थे वो और अभी जो थे वो किसी ने नहीं सुनी आपकी? आज बोले आ जाएगा आज 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 कह रहे खाली। अच्छा कितने दिन से कह रहे हैं? दो बार चेक हो चुका है अभी तक नहीं आया। अच्छा हाँ। अच्छा मेरे चैनल के माध्यम से आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? बस हमें मकान चाहिए। आवाज चाहिए आपको? हाँ। गांव के ऐसे खस्ता हालात के बाद भी प्रधान भी मानो कानों में तेल डाल कर बैठे हैं। गांव की जनता को इस बार बदलाव की उम्मीद है। इस गांव को उम्मीद है कि आने वाला चुनाव शायद इनके गांव में बदलाव की नई किरण लेकर आएगा। पर ये मुमकिन होगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैनपुरी से प्राइम टीवी के लिए मुनीश मिश्रा की रिपोर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।